ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम रोज ईश्वरीय महावाक्यों में सुनते हैं, बच्चे मुझे याद करो, याद से ही तुम्हें राजाई प्राप्त होगी, योग अग्नि से ही तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, इस योग अग्नि में तप कर ही तुम सच्चा सोना बनेंगे, इस योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला प्रकट होगी। और बाबा ने ये भी कह दिया है, जो बच्चे योगी हैं वही मुझे बहुत प्रिय हैं, वो तो मानो मेरा स्वरूप ही हैं, वो तो जैसे कि वतन में सदा ही मेरे सम्मुख रहते हैं। और जो बच्चे मुझे 8 घंटे रोज याद करते हैं वो मेरे सर्वाधिक सहयोगी हैं, क्योंकि वे संसार में सुख शांति पवित्रता शक्तियों की तरंगे फैलाते हैं। तो सोच लें, हम जन्म जन्म मनुष्यों के काम आए, अब भगवान के काम आने का समय है, अब उसने हमारा आह्वान किया है, आओ बच्चे मेरे कार्यों में मेरी संपूर्ण सहयोगी बन जाओ। तो हम चिंतन करेंगे, हमारे पास श्रेष्ठ बुद्धि है, हमें योग का स्पष्ट ज्ञान है, संसार में स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, जो कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे करें तो ठीक योग है या ऐसे करें तो ठीक योग है। हमें श्रेष्ठ बुद्धि भी प्राप्त है, हमारे पास संपूर्ण ज्ञान भी है, तो अपने से बात करेंगे, हम ही यदि योगी नहीं रहेंगे, हम ही यदि योगी बनकर नहीं जिएंगे, तो भला संसार में और कौन योगी बनेगा, जिनको स्वयं भगवान ने योग सिखाया हो, जिन पर स्वयं भगवान की नजर पड़ती हो, वही यदि योग युक्त जीवन न बना पाए तो भला कौन बनाएगा। और जो समर्पित हैं, वो तो और अच्छी तरह सोचें, हमने अपना जीवन दे दिया, हमने संपूर्ण त्याग कर दिया, हम यदि सर्वस्व त्यागी बनकर भी निरंतर बाबा के साथ का सुखद अनुभव न कर पाए तो भला और कौन करेगा। तो हमें ये सुंदर अधिकार प्राप्त हुए हैं, हमें इन अधिकारों का यूज करें और अपनी स्थिति को बहुत महान बनाएं। आज सारा दिन हर घंटे में एक बार बाबा का एक सुंदर महावाक्य स्मृति में रखते हुए स्वयं को योग युक्त बनाए रखेंगे। और वो है, बच्चे तुम 2 युग तक देवताओं के साथ रहे, फिर 2 युग तुमने मनुष्यों के साथ रहकर भी देख लिया, अब थोड़ा सा समय भगवान के साथ रहो। हर घंटे में याद करेंगे, थोड़ा सा समय है भगवान के साथ रहने का, उसके बाद तो द्वापर युग से हम उसके लिए नैन बिछाए बैठे रहा करेंगे, वो कैसा है एक बार उसे देख लें, ये इंतजार किया करेंगे। और आशाएं पूर्ण होने की कोई गारंटी भी नहीं रहेगी, अब समय है उसे दिल भर के देख लें, उसके पास जितना समय चाहे बैठे रहें, बस उसके पास बैठे रहना ही तो पावरफुल योग है। पाइए हम बाबा के बुद्धिमान बच्चे योग युक्त हो जाएं, और योगी वही बन सकते हैं जिनके मन में ऐसे श्रेष्ठ और महान विचार हों, और जिनकी बुद्धि का तीसरा नेत्र पूरी तरह से क्लीन हो, स्वच्छ हो, क्योंकि इस नेत्र से ही तो हम आत्मा और बाबा को देखते हैं। तो आज हर घंटे में एक बार 1-2 मिनट के लिए एक ड्रिल करेंगे, 10 सेकंड
आत्मा के स्वरूप को देखेंगे और कोई एक संकल्प रख लेंगे, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मुझसे पवित्र किरणें फैल रही हैं। फिर 10 सेकंड परम धाम में बाबा को देखेंगे, वे पवित्रता के सागर हैं, उनकी पवित्र किरणें चहुं ओर फैल रही हैं। और ये क्रम चालू रखेंगे 10-10 सेकंड का, इस तरह योग की अनुभूति बहुत सुंदर होगी और प्रतीत होगा कि योग जैसा सुख संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।